अगर हम जाते तो यहाँ से जाते, लेकिन अभी फिलहाल इसको वन वे करके रखा है क्योंकि ये तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो हम लोग ये दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पे ऊपर टनल है लेकिन फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं, ये ट्रैफिक की कोई समस्या ना। मैंने स्टोरी में देखा था पता है, यहाँ पे हकीकत हो रहा है, देखो बस गधे नहीं है ये घोड़े हैं। भैया बोल रहे भैया कितना होगा ये, बापरे इतना वजन उठा के लोग लेके 50 किलो मतलब इतना उठा के लेके जा रहे भाई, अपने में तो ताकत ही नहीं है। स्टोरी कहो बढ़ रही थी, हम जब छोटे थे तो स्टोरी नहीं सुनी थी कि गधे के ऊपर वो नमक लाद के लेके जाते हैं, यहाँ पे घोड़े हैं और फिर वो गधे वो वजन से बचने के लिए वो पानी में ऐसे हो जाते थे तो नमक का वजन चला जाता था। हम लोग पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ जी के मंदिर, और अभी हम लोग हैं उत्तरकाशी में जो सबसे पुराना शहर है उत्तराखंड का और सबसे बड़ा भी। अभी हम लोग रामलीला गार्डन में हमने रखी है, यहाँ पे रामलीला होती है भैया बता रहे थे, चलो चलते मंदिर। यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर आप कपड़े नहीं ले लेके आओ तो दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े वाले हैं और अच्छी दाम में मिल जाएंगे। और ये 50 मीटर अंदर है तो पहुँचते हैं, ये हम लोग पहुँच ही गए। दूसरे गेट से एंट्री ली थी, आपको मेन गेट दिखाती हूँ, इसका मेन गेट ये है, दिखाती हूँ। महाराज जी देखो इतना प्यार कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले उसको खिला रहे थे, इतना प्यार कर रहे हैं ना। ये होती है पवित्रता और ये होती है यात्रा, जब आप सबको समझ के चलो तो किसी का मन दुखा के करोगे तो वो कैसी यात्रा। फॉरम का बर्थडे है और फॉरम को ऐसा था कि उसको काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने ही है, वहाँ नहीं गए अभी, वहाँ जाने में देर है तो यहीं हो गए। मस्त ऐसा बर्थडे तो मुझे भी चाहिए भाई, इसकी ट्रिप तो पूरी फॉरम के बर्थडे के लिए ही है ऐसे देखा जाए तो। दर्शन हो गए, अब निकलते गन्ने का रस। टोपी मैंने दो रखवाई, वो आपको दिखाती हूँ, बहुत मस्त टोपी है। हाँ ऑनलाइन 450 यहाँ पे 150, मैं तो कम भी नहीं करवाती, क्या कम कराओ, यहाँ आते हो तो 6 महीना तो इनका रहता है तो इतना कम नहीं करवाने का, थोड़ा लेट गो करो। चलो फिर निकलते हैं, यहाँ पे पीछे ये लेकिन व्यू बहुत मस्त आ रहा है, यहाँ पे महादेव का मंदिर, पीछे पहाड़, हर हर महादेव। क्या फॉरम, क्या हिंदी बोली नहीं रे, किसी ने बोला था कि यहाँ पे मैं फॉरेनर हो जाऊँ, ये फॉरेनर ऐसे होते हैं, अफ्रीकन नहीं लग रही हूँ मैं। 10 लोग आ रहे, तब तक आप खाली व्यू एंजॉय करो। रास्ता हमने पी लिया, अब यहाँ से गंगोत्री का रास्ता है 4 घंटे का, 4 घंटे जाना और रिटर्न भी आना है क्योंकि वहाँ पे स्टे की कोई व्यवस्था इतनी लग नहीं रही, भैया बोल रहे हैं नहीं। चलो फटाफट जाते हैं, वहाँ पहुँच के मैं आपको मिल पाऊंगी। बारिश हो रही है फिलहाल, थोड़ी गर्मी थी लेकिन थोड़ी ज्यादा है बारिश।
हिमाचल में है और यहाँ पे हुई थी राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग। बापरे इतना सुंदर, ये तो देखो आप इसके ना थोड़े सिनेमेटिक्स एंजॉय करना। रोका है यहाँ पे, अखरोट के पेड़ है, एप्पल के भी, ये देखो पीछे, मतलब बिल्कुल बादलों में हम लोग, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है। दिखाती हूँ आपको अखरोट का पेड़, ये देखो यहाँ का व्यू देख रहे हो, ये बिल्कुल बादलों में हम लोग, एकदम ही बादलों में। और ये रहे अखरोट, ये रहे, ये पकेंगे फिर ये कड़क हो जाएंगे। हम बादलों के बीच में से निकलते हुए, क्या व्यू है, वाह वाह वाह। केदारनाथ वाली, हाँ, उसकी शूटिंग यहाँ पे भी हुई। अच्छा, ये सब आर्मी कैंप है। अभी हम लोग हर्षिल पहुंचे, हाँ हाँ हाँ, रोड से पड़ता है 35 किलोमीटर, उत्तराखंड की जान है जान हर्षिल। यहीं पे राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। और वो हीरोइन का भैया, वो हीरोइन का नाम यही है क्या? हाँ, भगोरी, मंदाग्नी का विलेज यही पड़ता है। सुंदर ही इतना है, कौन छोड़े छोड़ के जाएगा। और दाऊद इब्राहिम और उनका एक अफेयर चक्कर था। अफेयर नहीं, उसको पसंद आ गया, मंदाग्नी ज्यादा रास्ता यहाँ पे अच्छी, उसको पसंद आ गया, उसने उसको किडनैप करा दिया, किडनैप गायब करा दिया, गायब करवा दिया। जैसे उनका गांव सुंदर है, सब रहते हैं, उसके बाबा दादी मतलब उनके चाचा ताऊ भी रहते हैं गांव में। अच्छा, तो भैया उन्होंने कोई पूछ परछ नहीं करवाई होगी क्या? पता ही होगा सबको, नहीं? यहाँ पे हेलीकॉप्टर आता है बिल्कुल लास्ट, फिर 25 किलोमीटर गाड़ी लेनी पड़ती है गंगोत्री के लिए। फिलहाल तो कुत्ता ने लैंड किया है, देख रहे हो भैया? भैया फिर से हेलो गाइस, गंगोत्री में बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी। क्या बोला तूने? गंगोत्री में बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी, एलईडी रखो। मेरे साथ रह के सब सीख जाएंगे थोड़े दिनों में। कैमरा फ्रेंडली, पहला मेरे के लिए इनके ने इसको, इसकी तो तबीयत ही बिगड़ गई है, दिक्कत ये है इसकी तबीयत ही बिगड़ गई। और भी आगे बहुत सारी चीजें ना भैया मुझे बता रहे, लेकिन सब चीजें मैं इस पे बता ही नहीं पा रही, मैं खुद सुन रही हूँ, मेरे को खुद को नया नया लग रहा है। हाँ भैया, मैं सही करूंगी, कैमरा आपके तरफ घुमा लूंगी, आप बता देना क्या ये मेरे को बताए। फिर मैं ये सब चीजें कब से चल रही है? वो नहीं होता था, हाँ मेरा फोन बंद हो गया, यश के फोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, फोन ही बंद हो गया, ब्लॉग बनाते बनाते। क्या कह रहे हो? माधव जो बोलता था वही पार्ट को करना पड़ता था। तो मैं आपको बोलूंगा ये पार्ट, अभी आप आधा घंटा बैठे रहे, फिर मानव फिर पार्थ को माननी पड़ेगी माधव की बात। भाई भी हमारे जो रथ में घोड़े जुड़े हुए हैं, अपना नाश्ता पानी वही करेंगे वो हमें। हाँ हम लोग हैं भी तो 5 जन, भैया और मेरा चलाने वाला 5 ही जन है, यश बोल रहे हैं मैं नकुल है, वो नकुल है, भीम ही रहे हो, भीम कौन सा है? युधिष्ठिर, अब ये कैरेक्टर को लेके भी लड़ाई होगी, युधिष्ठिर जी जरूर ना इनके केदारनाथ को
ट्रेन में नहीं बात सुन रहा जी ने इतना फोटो बोले भाई हम अर्जुन है ओह ए करण है करण उसका नाम भी करण है और खुद करण ही है ना एक बार तुम मत बोलो बुआ पांडव जो भाई जो जस्ट भ्राता हो बिड़ी नु आऊं अर्जुन मैं हूं मैं इन लोगों को लाने वाली मैं ही हूं जो अर्जुन है अर्जुन आप भी बैठो को जो जैसे एक छटा दे लो अर्जुन ये भाई विशाल विशाल एक बार ऐसा हुआ था यश और विशाल दोनों गए थे गोडाउन पे काम पे ठीक है तो यश ने खाली गाड़ी ये विशाल साइड में बैठा था कंडक्टर से यश ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो यश ने बस इतना बोला ए भाई उतने बाजू में देखा विशाल गायब जैसे आगे देखा तो विशाल वो ड्राइवर वाले के ऊपर चढ़ के उसने 3 थप्पड़ उसको मार दिए मार के फिर यश को आगे बोलते क्या हुआ था बोलता मैं उसको बोल रहा था कि तू साइड हट तू उसको मारने क्यों चला गया ओमनी वाला जो ओमनी वाला है ना ओमनी वाले ने कट मारा तो उसने देखा नहीं वो पीछे चला गया आगे जाके दूसरा ओमनी वाला बेचारा वहां से गाड़ी भी शुरू नहीं की और उसको जाके 2-3 दे दी वो हमारा विशाल उसको लाने वाले थे लेकिन और वो दिखने में कैसा पता है एकदम ऐसा मोटा हट्टा कट्टा आदमी मेरा मामा जैसा और विशाल को देखा ही आपने कैसा है सुखी कांठी एकदम वो बोलते हैं भैया मैंने गाड़ी नहीं शुरू की मैं अभी जाके गाड़ी में अभी बैठा हूँ मैं तो यहाँ से निकला भी नहीं हूँ बिना सपोर्ट का बनाया नीचे कोई सपोर्ट नहीं है इसकी अरे बाप रे देखो सीन भी बराबर है नीचे देखो अरे बाप रे इधर देखो राइट में है ना व्यू पूरा हाँ ये अंग्रेजों का टाइम का बना हुआ और इस पे सपोर्ट नहीं है यहाँ से गंगोत्री 6 किलोमीटर और दूर है और भैया बता रहे थे कि यहीं से मतलब थोड़ा आगे से यहाँ पे व्हीलचेयर मिलती है क्योंकि प्लेन रोड है तो लेकिन यहाँ से इतनी भीड़ रहती है कि आपको 6 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है या तो व्हीलचेयर पे तो इतना ट्रैफिक रहता है सोचो जून में तो ये जो हम जो टाइम में है ना वो टाइम बेस्ट है अगर आपको यहाँ घूमने आना है तो है ना भैया हमारा टाइम सही है ना आने का है भैया आने का यहाँ हम लोग जो मतलब ये टाइम पे जो आए हैं है ना बेस्ट टाइम है क्योंकि लोग बोलते हैं ऐसा कि ये टाइम पे नहीं जाना चाहिए हो जाएगा कुछ नहीं हुआ वो तो रोड है आपको बस सेफ्टी से चलना है और अगर रोड ये वेदर बेकार है तो ट्रैवल मत करो और रात हो तो फिर निकलो ही मत रुक जाओ होटल लेके तो कुछ नहीं होगा अभी ये जो टाइम है ना इसी की वजह से यहाँ पे यहाँ तक गाड़ी जा रही है नहीं तो गाड़ी यहाँ तक आती है हाँ भैया पहली बार आई है चलो आपको भी यहाँ पहुँचे हम लोग कौन कौन यहाँ तक आया है गाड़ी लेके जो ये व्लॉग देख रहे हैं देख के बताना जरूर कि कौन कौन आया चलो प्रस्थान करो फटाफट और भैया कितनी देर में आना है आधे घंटे में आ जाओ आप ठीक है 5:30 तक आ जाना ठीक है जल्दी भैया 5:30 तक क्योंकि हमें जाना है नहीं दोनों भैया मेरे को कितना काम संभालना पड़ता है मैं व्लॉग बनाऊं फोटो खींचूं कि क्या करूं यस ये भैया मस्त बात की समझ रहे हो चलो निकलते हैं थोड़ी हवा भारी है मतलब सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ये थी हमारी अब तक की अपडेट ये मेरी भाषा सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई न्यूज चैनल चल गया लेकिन ऐसा नहीं है बहुत मस्त है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक करवाना पड़ेगा फिर आप निकल सकते हो अंदर हमने ये ले लिया है ये भर के जिनको देना है जिनको इसने एक ही उठा लिया देखो और ये यहाँ का व्यू है भाई यहाँ पे मिलता भी मस्त है हाँ यहाँ पे सब चीज़ें मिलती भी इतनी महंगी नहीं है व्यवस्थित है चलो वाव यार यहाँ का व्यू तो देखो इस हाथ है ना ठंडे पड़ गए सुन पड़ गए ठंडक बहुत है हमने नहीं पहना जैकेट करण ने पहन लिया था हम लोग घाई में निकल ही गए तो ऊपर आओगे ना तो लेके आना और सांस बहुत फूल रही है यहाँ पे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी तो और इतना पास लगता है लेकिन है नहीं पार्किंग से थोड़ा दूर है इतना भी बाजू में नहीं है
सबने गंगा जल भर लिया है हमारे घर, हमारे घर के लोगों के लिए जिनको हमें देना है। और पानी बहुत ठंडा है यार, हाथ सुनो गए, अगर एक बार हाथ डाला ना तो पूरा पीला हो गया था, यश का तो वो थोड़ा ब्लैक जैसा हो गया था, अभी भी नहीं जा रहा है हाथ से वो। चलो हमें 5:30 का टाइम दिया था यार, निकलते हम, चलो। और ये जो है ना, ये डॉग आपको यहीं देखने मिलेंगे, ये आपको, ये ठंडी में ही रहते, गर्मी में नहीं रह पाते ये, तो बर्फ में गंगोत्री ऐसा दिखता है। हमारे जैसे अच्छे दर्शन किसी के हुए ही नहीं होंगे, एकदम पास से वहाँ पे खड़े थे 10 मिनट जैसा वहीं पे थे, मूर्ति कितनी अच्छी है और बहुत मस्त था। ये टाइम पे आओ, मैं तो सच बता रही हूँ आने जैसा है, क्योंकि बाद में आओगे तो भीड़ ये वो, तो दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते। 2 मिनट तो रहना चाहिए ना कि माता जी से हमारी आँख मिले, तो वो यहाँ पे आके आप करना। मैं वो ढूंढ रही हूँ, एक जगह मैंने देखा था ऊपर वो पहाड़ी पहनने का, वो ढूंढ रही हूँ। ये रहा, ये होटल के सामने ही था, ये रहा ब्लू कलर का, नहीं यार ये तो ग्रीन है, ब्लू भी था, रुको ब्लू, इसमें दूसरा कलर भी है, कलर में चलेगा आप, ये कलर है ब्लू चाहिए मेरे को, डार्क ब्लू, देखो ऐसा है, बहुत सुंदर है, सुंदर है, आराम दे चुन तो दादी ने मेरे बच्चे के लिए अभी तक देख रहे हैं। वाओ यार कितना मस्त है, यस गिनिंग इन डन डन, बताए ना वो मस्त है, बताए ना यस सी सी ही खंड नहीं खंड, बहुत मस्त है जुन जुन, वाओ भैया ये कितने का दे दो ना, यस यार मस्त है डन, प्लीज फोटो लो, फोटो ना, फोटो नहीं 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 भैया भैया नहीं नहीं भैया कितने का है ना ना, दो हमने ले लिया, मैंने एल लिया, यस ने एक्सएल लिया, चलो थैंक यू भैया। आज यही है आप लोग? नहीं बस अभी निकल रहे हम लोग, चलो चलो निकला जाए, हो गई शॉपिंग, दादा है उनको बोल के आए कि हम ये गमछा लेने आएंगे 50 रुपए का ये, तो दादा है मेरे, मेरे दादाजी से ही लगते है, तो बोलते कि आना, हाँ बोला हाँ भैया कैश नहीं था, मेरे को ऐसा बोला आना मैं देख रहा हूँ। हाँ ये रहा देखो दिख गया, दिखाते हैं ये गेट से आते हैं ना तो स्टार्टिंग ही शॉल है चाचा की, दादा कहाँ गए, चाचा है ही नहीं दुकान पे, मस्त शॉल थी 50 की थी लेकिन चाचा है ही नहीं, पता नहीं कहीं पे गए हैं, तो अब हम लोग निकल रहे क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा है, ऑलरेडी हम 15 मिनट लेट हैं, हमें कैसे भी करके हर्षिल क्रॉस करना है, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, और हर्षिल में होटल्स बहुत महंगे, 1000 पर पर्सन ऐसे भी, मतलब के कोई भी सीज़न में आओ। पहुँच गए, चलो हम गाड़ी के पास, यहाँ से थोड़ी सी दूर है, देखो दिखाती हूँ गाड़ी, तो निकलते हैं फटाफट, ये रही हमारी गाड़ी, निकलते हैं भाई, तो घोड़े खच्चर चलते हैं, यहाँ के रास्ते सीधे हैं, यहाँ पे ये चलता है, चलो ये तो थोड़ा सही भी है। भैया बता रहे थे कि यहाँ पे जो लोग ऊपर रहते हैं तो यहाँ पे ना ये 3 महीना इनको नीचे जाना पड़ता है रहने, क्योंकि यहाँ पे रह नहीं सकते जब ठंड रहती है, एकदम ही बर्फ़ गिरती है तब। तो भैया बता रहे थे कि यहाँ के लोगों के पास 2 घर होते हैं, एक नीचे भी होता है देहरादून, फिर हरिद्वार ये साइड भी होता है, और क्या आता है मसूरी, वहाँ पे वहाँ तक भी होता है घर, और ऊपर भी उनके पास एक घर होता है, जैसे हमारे पास नहीं होता है एक गाँव, और एक हमारा होम टाउन होता है, और एक हमारा वर्किंग प्लेस, ऐसा जन्मभूमि और कर्मभूमि वो टाइप का। गाड़ी के पास मैं पहुंच चुके हूँ लेकिन ये लोग नहीं आए हैं, जब मैं आ जाती हूँ ना तब ये लोग आते नहीं हैं, हाँ मेरे फिर क्या कर रहे हैं ये लोग वहाँ पे, तो मेरे पे भड़केंगे, अब यश तो अलग ही भड़कता है। ओह विशाल, करण को देखो, विशाल ही नाम निकल रहा है, विशाल देख मैं देखो कितना याद कर रही हूँ। करण बता रहा था मैंने ध्यान दिया था लेकिन है ना दूर से नहीं दिख रहा था मेरे को, कोई बूढ़ा लग रहा था, लेकिन वो फॉरेनर थी, करण उनसे बात कर रहा था और फोटो वोटो उनको खींच के दे रहा था, नहीं सिखा रहा था कुछ पता नहीं क्या, तो वो है ना यहाँ पे 6 महीना यहाँ पे तपस्या करते हैं, फिर यहाँ पे 6 महीने के बाद, अरे भैया वो वहाँ पे पता नहीं वहीं पे खड़े देखो अब आ रहे, वो रहे आ गए, ये रहे और 6 महीने यहाँ पे तपस्या खत्म होती है, फिर वो ऋषिकेश चले जाते हैं वहाँ पे तपस्या करते हैं, और सोचो कितनी बड़ी बात है फॉरेन से लोग यहाँ तपस्या करने आते हैं, और यहाँ के लोगों को इतनी कुछ नहीं है, होना चाहिए यहाँ के, मतलब आधे से ज़्यादा मेरे को नाश्ते खाने लगते हैं, होते हैं कुछ लोग कि मानते ही नहीं है कुछ है, मैं तो मानती हूँ भैया के सतयुग था हुआ था, और ये सब जो देख रहे हैं ना बस ऐसा है कि ना एक प्रूफ मिल गया, मानती तो मैं पहले से ही थी लेकिन ऐसा वो पुरावा मिल जाता है, जैसे हमने खाली बुक में देखा था पढ़ा था माँ बाप से स्टोरियाँ सुनी थी, तो
लेकिन यहाँ पे बहुत नई नई चीजें लगती है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, स्पेशली गंगोत्री का। यहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, वो सर्दी जैसा एकदम मौसम लग रहा है। देखो ये राखी आ गई यश लोग भी, तो ये भैया बता रहे थे, इन लोगों ने इतने फोटो नहीं खींचा, मैं उनको उसी में प्रवचन दे रही थी कि एक फोटो खींच लो करके याद रहे, तो उससे बता रहा था वो कि वो कितने ध्यान मग्न हो के, और वो गाने भी गा रहे थे भगवान के, और बापरे लोग वहां से आते हैं। सोचो तो सही, होता है ना कि जिसके घर में इज्जत, बाहर इज्जत होती है उसके घर में इज्जत नहीं होती है। तो ये लगा मेरे को, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी सारी चीजें तो इंडिया वालों को नहीं है, लेकिन बाहर वालों को आज भी है। अरे वाह, कहाँ से मिली? दादा मिली है, मगर एसडी आता हूँ चेन मुके चेन आई है जी गाल जा पक्का है ना कर क्या ना कहीं बात तक आया हुआ। हिंदी नहीं बोलेगी ना तो, हिंदी नहीं बोलेगी ना फॉरम वीडियो उतार रहा, हिंदी में बोला। ओ चलो फॉरम ने वीडियो निकाला, मैं इसके बाद ऐड कर दूंगी। मैं दादा मिल गए वापस, मुझे दिखे तो मैं आके इनको मिली हुई बोल रहे आपने नाक रखी अपनी और बहुत प्यारी है। हाँ 50 रुपीज में कौन देता है, वो बाजू वाले बोलते 100 रुपया। अच्छा भैया ने 50 बोले, चलो बैठती हूँ नहीं तो गिर जाएगी। चलो मेरे बाबा के मंदिर पहुंच चुके हैं, टाइम लिमिट है 5 मिनट की। नहीं खुल रहा दरवाजा, अटक रहा है। चलो यहाँ की आपको मैं स्टोरी बताती हूँ। आप चार धाम कभी भी करोगे ना तो आपको भैरव मामा का मंदिर मिलेगा। यमुनोत्री में नीचे मिला था, यमुनोत्री से 3 किलोमीटर नीचे था। केदारनाथ में भी है, बद्रीनाथ में भी है, सब थोड़ा दूर है भले, और यहाँ भी है, उतरे ना उसके 2 किलोमीटर नीचे से ही है। चलो दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि ज्यादा बात नहीं कर सकते, हमारे पास 5 मिनट का टाइम है। चप्पल भी तो उतारे भाई, प्रसाद ले लो जी। दर्शन भैया ने 5 मिनट बोली थी, अब 2 मिनट में आ गए। मुझे जो दिखा रही थी मुझे क्या व्हाट महाराज बोल रही ना। हाँ ये कर लो पहले। महाराज मुन्ने को टीका लगा रहे, देखो जब टीका लगा रहे बुढ़ा बोलता है थक गया, वो थोड़ी सीढ़ी चढ़ के आया, फिर बोलता है इतने सारे टीके, एक चंदन का एक राख का एक इसका उसका, मारा थोड़ा रुको थोड़ा साफ करता हूँ मैं मंदिर घूम घूम के थक गया, वैसा बोल रहा था। भैया हम लोग जल्दी आ गया 2 मिनट में ही, ऐसी फूर्ती सब जगह करना है ना भैया। भैया ये बोल रहा है ये कहीं रहता था, ये पीछे जो बैठा है बोल रहा है कि अगर एक दिन ज्यादा लगे तो उनका भाड़ा हम 3 पे ही चढ़ेगा, इन दोनों भाई बहन पे नहीं चढ़ेगा। क्या गलती है ये बेचारे, कहीं पे तो फोटो खींचते थे वीडियो। अनुजित्रे बड़े बाहु है सेंसलेस, अनुजित्रे ने दो बाहु है, ये ज्ञान ना उठाए ये जेस्ट बोला गया है। देख पहली बार से गुजराती है देड़ा ना लगे लखोन कौन है ये भाई वाला पुल ब्रिटिश पुल अंग्रेजों के जमाने का। और यहाँ पे हाँ यहाँ पे फोटो वोटो खींचना मना है, ठीक है? अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना तो दंड लगेगा, दंड। एयरटेल नहीं आ रहा है ना, एयरटेल तो चल रहा था लेकिन यहाँ पे ना जियो आ रहा है ना एयरटेल, और यहाँ का सिस्टम मेरे को अब समझ में आया। जहाँ पे अगर टावर रहेगा ना वहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा, उससे थोड़ा दूर जाके नेटवर्क होगा, है ना मॉडम? मेरे भाई को वही बता रही थी, जिसका फोन आया ना उसको बोल रही थी यहाँ पे जहाँ पे टावर होते ना वहाँ नेटवर्क नहीं आते, लेकिन टावर नहीं होता ना वहाँ नेटवर्क आते हैं। तो आशा से निराशा मत होना। अच्छा शट अप, बहुत समय बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल पे। होटल बहुत मस्त है, मैं आपको उसका टूर देती हूँ। अभी बज रहे हैं 8:45 जैसा, 8:30 जैसा बज रहे हैं। होटल बहुत मस्त है, भैया ने हमारे ड्राइवर भैया ने फाइनल करवाई है, बहुत क्लीनलीनेस है, मस्त। मतलब उनको है ना इतना पता है ना कि हमें क्या चाहिए, थोड़ी थकान लग रही है और पेट है ना बहुत दुख रहा है, क्योंकि खाया सुबह से कुछ नहीं है, आधा परोठा खाया है और फिर नाश्ते से तो नहीं बढ़ता है पेट प्रॉपर। मुझे तो खाना चाहिए पूरे दिन में भले एक टाइम हो,
तो वो खाना खाते हैं, चाय बुलवाइए सुबह, चाय पीते हैं। ये मैंने कल वाला टी शर्ट पहन लिया क्योंकि रात को ही पहना था तो कोई सेंस नहीं है चेंज करने का उसके लिए। और एक दो चीज मेरे को आपको बता नहीं बताती हूँ, चाय पी लेती हूँ फिर बताती हूँ, थोड़ा क्या मेरा दिमाग काम करेगा। कि फिलहाल है ना यहाँ पे भी वही है ना थाली का प्राइस, अरे बापरे थाली का प्राइस है 150 रुपया है ना, और रोटी और ये सब लिमिटेड है, चावल चलो थोड़े बहुत खा सकते हो एक्स्ट्रा। तो थोड़ी थकान लग रही है क्योंकि है ना 12 घंटे नॉनस्टॉप हम कार में थे, अब जाके रुके हैं। और आज ऐसा हुआ है कि हम रात को भी हमने ट्रैवल किया है, नहीं तो हम रात को है ना 6:30-7 बजे के बाद ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे सेफ्टी पर्पस के लिए। रोड बीच में ऐसे मिले थे हमें कहीं के, बहुत जो पहले पहले गिरे थे वो सब, बहुत ऐसी चीज़ें देखने मिली। तो उन बैग में जो कभी एक बैग आए ना उनमें, तो अभी हमने ना पहले से ही पैक कर लिए थे, पहले से ही हमने ना 2 बैग ऐसे पैक कर लिए थे जो हमें होटल पे खाली निकालने बाकी है ना। अभी भी गाड़ी पे हमें बंदे ही छोड़े हैं, हमने निकाले नहीं है क्योंकि बहुत मेहनत करे भाई, मेहनत हम 2 को ही करनी पड़ती है, मुझे और फॉरम को। इसके लिए मुझे लगता है ना कि भाई बहन के साथ ट्रिप पे ना जाना चाहिए तब जब लड़का एक ही हो, अगर 2 लड़के 3 लड़के होते हैं ना साथ में तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हिरेन सब करवाता है, हाँ वो बहुत समझता है, वो सब करवाता है, कोई दिक्कत नहीं देता है वो। लेकिन बाकी जो 2 नमूने हैं कुछ नहीं करते हैं, आपको मैं बता दूँ सब हमें करना पड़ता है, तो उसमें हमारा टाइम चला जाता है, टाइमिंग पे हम निकल नहीं पाते हैं। चलो पहले चाय पीते हैं उसके बाद मिलती हूँ मैं। और फिलहाल ये बात चल रही है कि हम फॉरम बनाएगी सिर्फ टमाटर की सब्जी, यहाँ पे अपने होटल वाले भैया है ना उनसे परमिशन ले ली का बनवा लेना। रुको मैं आपको मुंह धो के मिलती हूँ। तो ब्लॉग को एक्सपोर्ट के लिए लगा दिया, 100% हो चुका है, लेकिन नेट की दिक्कत आई थी, थोड़ा अटक गया है, तो अपलोड भी हो जाएगा आई होप, क्योंकि यहाँ पे 5G नेटवर्क्स हैं एयरटेल के, और आप अगर आ रहे हो ना तो एयरटेल बेस्ट है, लेके आओ, कहीं जगह ही नहीं रहेगा, बाकी हर जगह एयरटेल रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करूँ रूम के रेंट की, हमने 2 रखे यहाँ पे ना, पर पर्सन 400 था अभी का, अगर आप बाद में कभी आओगे ना तो पर पर्सन 1100 से नीचे कोई नहीं देने वाला है। तो हमने 1500 में फाइनल किया 2 रूम, और 5 जने हम लोग, और रात के आज रहेंगे, सुबह तो निकल जाएंगे 6-8 बजे, तो उतने में पड़ा हमें। तो ये सीजन में आने का ये बहुत बड़ा फायदा है। इसकी सब्जी बन रही है ये खुद ही भैया जग है, जग खाली एक जग है ना, उसमें पानी डाल दो आधा, और ये दही डालना, थोड़ा नमक डाल के उसको वो कर दो। सब सिखा देंगे, अगर यहाँ आएंगे ना तो परेशान नहीं होंगे। थैंक्स टू अस, यहाँ पे दही डाल रहे हैं, दही डालने के बाद इसमें नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद इससे इसको मत ना, मेरे कच्ची नहीं है और रिपब्लिक ना भैया है, मैं कहूँगा हिंदी में ब्लॉग बनाएंगे, छाछ पता नहीं होती है लोगों को, उत्तराखंड वाले देख लें कृपा करके।